नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर लाइफ पीके की एक न्यू वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चने और जो है मसूर दाल का उपयोग करके आप अपने पशु का जो दूध है उसको डबल कर सकते हैं, दूध को बढ़ा सकते हैं, दूध देने की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं और पशु को जो है हष्ट पुष्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है तो मैं चलिए आपको बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपने पशु का जो आज का नुस्खा है वो कैसे बनाना है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए हमारे लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए पड़ेगी वो है मसूर की दाल, और दूसरी जो चीज़ चाहिए पड़ेगी वो है चने, देसी चने, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। हमें इन दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें करना क्या है, जो हमने चने लिए हैं और जो मसूर की दाल ली है, इसको हमारे लिए एक दिन के लिए पानी में भिगो कर रखना पड़ेगा इस नुस्खे को बनाने के लिए। तो हमारे लिए जो है एक दिन हमारे लिए चने और मसूर की दाल, इन दोनों चीज़ों को 250-250 ग्राम 250 ग्राम दोनों चीज़ों को, यानी कि 500 ग्राम दोनों चीज़ों को लेना है और पानी में भिगो देना है। तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के बाद जो है हमारा जो हमने चने की दाल, चना और जो मसूर की दाल भिगो कर रखी है वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो फूलने के बाद क्या करना है, हमें इनको पानी से अलग कर देना है और इनको जो है 24 घंटे के लिए फिर से एक कपड़े में बांध करके कहीं सूखे स्थान पर रख देना है और इन पर जो है लगातार पानी छिड़कते रहना है ताकि इन पर जो है अंकुरित हो जाए ये दोनों चीज़ें। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चने जो है वो अंकुरित, इस प्रकार से अंकुरित हो जाए तब हमें इनका उपयोग करना है। जब अंकुरित हो जाए तो हमारे लिए करना क्या है कि इनको एक बर्तन में लेकर इनको जो है थोड़ा गर्म करना है, यानी जिस प्रकार से हम दाल बनाते हैं उसी प्रकार से हमें इनको थोड़ा सा गर्म करना है, बॉईल करना है। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, नरम हो जाए, तो अब हमें इसमें करना क्या है कि थोड़ा सा सौंफ, जो आप देख रहे हैं सौंफ की जो मात्रा है वो हमें 20-25 ग्राम लेनी है और इसमें डाल देना है, और 200 ग्राम जो है हमें गुड़ लेना है। गुड़ की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो 200 ग्राम गुड़ लेना है और हमें इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके जो अपने एक बर्तन में जो जिसमें हम गर्म कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पशु को देना है। आप देखेंगे ये जो नुस्खा है, आप उन्हें पशु को देने के बाद 1 से 2 दिन में ही आपको जो है आपके पशु में जो दूध की मात्रा में फ़र्क नज़र आने लगेगा। आप देखेंगे जो पशु पहले 2 लीटर दूध दे रहा था वो अब 2.5 से 3 लीटर जो है दूध पहले ही दिन से देना स्टार्ट कर देगा। उसकी खुराक में भी फ़र्क देखने को मिलेगा आपको और उसके दूध में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू जानकारी के साथ। धन्यवाद।